रोडीज मैं तेरी चोर दूंगा खड़े मैं तेरी मात एक ऐसा शो जहाँ पे लोग आने के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, जलील हो सकते हैं, झापड़ खा सकते हैं, लेकिन जब वो रोडीज बन जाएंगे ना, उसके बाद करना क्या है तो उनके जज को नहीं पता, तो कंटेस्टेंट को घंटा पता चलेगा। एक अकेला ऐसा शो दुनिया में जो विनर्स नहीं जज चुनता है, ताकि वो अगले सीजन में विनर नहीं जज चुनेंगे। एंड द साइकिल गोज ऑन। अब तक इस शो के 16 सीजन आ चुके हैं और 17वां चल रहा है, और अब तो इंडियन यूथ भी बोल रही है भाई बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक शो जिसने लोगों को सिखाया कि ज्यादा पैशन फॉलो करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा पैशन रोडीज बनना है तो इससे बेटर होम साइंस कर लो, ज्यादा स्कोप है। 12 के बाद ना सोना तो मेरा बाप मुझे बेल्टों से मार के अधमरा करके सुला देता है, और ये इस शो पे आने के लिए माँ बाप को मार रहे हैं, और क्यों मार रहे हैं, ताकि वो रोडीज पाके इन लॉडीज को देख सके। लेकिन अगर आप में है वो जज्बा कि आप भूखे प्यासे कड़कते धूप में लाइन में लग सकते हैं, तो आपको मौका मिलेगा रोडीज के जजेस से मिलने का मौका, जो आपको नेशनल टेलीविजन पे मिल भी किससे रहे हो, जिनके खुद के घर वाले उनको देख के मार्केट में मुंह घुमा लेते हैं। अबे हटा बोतल की बात। जितना महान ये शो है उससे कहीं ज्यादा महान इनके जजेस हैं। पहला है एमटीवी का नाजायज औलाद, हर साल में 3 फ्लॉप करने वाला फौलाद रन विजय, जो कि सिर्फ नाम में विजय, लेकिन विजय के नाम पे इसने सिर्फ चूतियापंती में विजय प्राप्त की है। दूसरी है जिसको बॉलीवुड में काम मिलना काफी अर्से पहले बंद हो गया, इसलिए दिन में रोडीज करती है, शाम को अंदरी स्टेशन पे नेहा धूप या धूप अगरबत्ती बेचती है। और तीसरे है प्रिंस नरूला, जिसने दुनिया का हर थर्ड क्लास रियलिटी शो जीतने का ठेका उठा रखा है, लेकिन ये इंडियन आइडल नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ पे जीतने का क्राइटेरिया कि आपके कम से कम 4 खानदान वालों को बवासीर तो होना ही चाहिए। मुझे बवासीर है। ऐसा शो जो यूथ को पूछेगा कुछ ऐसे सवाल जो यूपीएससी के एस्पिरेंट भी जवाब नहीं दे पाएंगे। कभी लड़के को नंगा देखा है? लड़के को हाँ बिल्कुल देखा है जी। बड़ा हुआ तब? उसका नहीं जी, उसका नहीं, तेरा मार का पुत्र है भैया। अगर तुम ऑडिशन में सारे टास्क करोगे, इनको खुश कर दोगे, तो ये कहेंगे छोड़ो यार भगाओ इसको, लेकिन अगर तुम बंदर की तरह यहाँ से वहाँ कूदोगे तो तुम बन जाओगे विनर। ये शो तुम्हें जज करेगा तुम्हारे एक्टिंग स्किल पे, तुम्हारे एथलेटिक स्किल पे, तुम्हारे मेंटल स्किल पे, तुम्हारे डांसिंग स्किल पे, भले ये सारे के सारे खुद एक नंबर के बेटी चोर। एक अकेला ऐसा शो जिसकी रेटिंग और जजेस की आईक्यू एकदम सेम है, 5.5। और जिस तरह हमारे यूथ के लिए शो है रोडीज जो चला रहे हैं लोडीज, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी एक शो है लिविंग ऑन द एज, इसका शो भी कम घातक नहीं है। क्या करना चाहते हैं? मैं अपने फेस पे ट्यूबलाइट तोड़ सकता हूँ। बच्चों वाला लड़कियां करती हैं ऐसी चीजें, ट्यूबलाइट तोड़ता हूँ। इसकी माँ बहने मुंह पे ट्यूबलाइट फोड़ती है घर पे। यार ट्यूबलाइट लड़कियां क्या बात कर रहा है यार। मैंने सुना है इस जज को इतना प्यार करते कि जहाँ रोड पे मिला वहीं प्यार करना शुरू कर देते हैं लोग। मैंने आपको बोला क्या? मैंने आपको बस भाई आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, वरना यू आर अ पोटेंशियल रेपिस्ट। कुछ भी बोलता है और वीडियो में कमेंट करके ही जाना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। और यार मैं चाहता हूँ हमारे 10,000 सब्सक्राइबर नेक्स्ट मंथ के एंडिंग से पहले हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि मुझे वो अपनी साइंस मैम को दिखाना जिसने कहा था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं अचीव करूंगा, भले उसका बेटा नासा में है तो क्या हो सकता है, लेकिन मैं 10K दिखाऊंगा ना उसको। और यार आप में से बहुत लोग मुझे शाउट आउट मांग रहे हैं, तो मैं सबको शाउट आउट तो नहीं दे सकता, तो एक काम करो मेरा वीडियो शेयर करो, और जो तुम शेयर करोगे उसका स्क्रीन शॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, तो मैं उसमें सिलेक्ट करके तुमको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा, सिंपल एज दैट। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड bye।